बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी ये सूप। गाइस, ये सूप जो है आप लोग ज़रूर इस सर्दी में बनाइएगा, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हम बना रहे हैं चिकन सूप। तो गाइस चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, इसमें ये एक चिकन ऐड कर देंगे। ये एक पाव चिकन है और हड्डी वाले पीस हैं ये सारे के सारे, गर्दन का और सीने का पीस जो होते हैं। इसमें हम दो गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे अभी। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें जो है कुछ मसाले ऐड करूँगी। और ये है नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड करा है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। और अब मैंने इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर। गाइस इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर गाइस 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास कॉर्न सूप है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, चिकन सूप वगैरह जो होते हैं उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसको ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1/4 टीस्पून। दोनों को मिलाकर मैंने थोड़ा थोड़ा सा दोनों ऐड करे हैं। अब मैं इसमें जो है 2 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैंने पूरा 4 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। गाइज इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफ़ा, ताकि सारी चीज़ें जो है मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद हम इसको जो है चूल्हे पर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो गाइज ये देखिए मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है, ताकि ये अच्छे से पक जाए और चिकन गल जाए। ये देखिए हमारी चिकन गल चुकी थी। मैंने एक अंडे को अच्छे से फेंट लिया है और सूप में से चिकन निकाल कर इसके रेशे कर लिए हैं, हड्डियाँ अलग कर दी हैं इसकी। और ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करा है, थोड़ा ही पानी ऐड करा है, तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस ये देखिए हमने जो कॉर्नफ्लोर बना के रखा था वो है, और अब हमारा सूप जो है देखिए दोबारा से बॉयल होने लग गया है। मैंने जब इसमें से चिकन निकाली थी तो चूल्हे को बंद कर दिया था, और अब देखिए गाइस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दोबारा से चिकन जो हमने इसमें से निकाली थी। गाइस वो दोबारा हम इसी में ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो हड्डी के साथ भी इसमें रख सकते हैं यखनी में, लेकिन बच्चों को खाने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने जो है इसके रेशे कर दिए थे चिकन के। तो गाइस इसको हम मिलाने के बाद हम जो है इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जब इसमें थोड़ा सा बीच में बॉयल आने लग जाएगा। ये देखिए बीच में बॉयल आने लग गया है, तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते ही फ़ौरन इसको मिक्स कर दूंगी, ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। गाइज ज़्यादा कॉर्नफ्लोर हमें नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये हमने यखनी बनाई है, क्योंकि गाइज यखनी जो होती है ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये जो है बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालकर भी इसको कॉर्न सूप बना सकते हैं, अगर आप इसको गाढ़ा कर लेंगे तो। ये देखिए ये अच्छे से पक गया है और आपको दिख रहा होगा कॉर्नफ्लोर जो है पक चुका है। तकरीबन 3 मिनट लगे हैं इसको पकने में। ये देखिए कितना अच्छा जो है इसका कलर आया है यखनी का। और गाइज ये यखनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही हेल्दी है। अगर आपके पास जो है चिकन पाउडर या कॉर्न सूप वगैरह नहीं है तो आप इसमें जो है चाइनीज़ नमक भी ऐड कर सकती हैं उन चीज़ों के अलावा। ये देखिए गाइज मैंने जो है अंडा फेंट के रखा था, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बॉयल आ रहा है अच्छे से, और अब हम जो है थोड़े से फासले से अंडे को ऐड करेंगे आराम आराम से। अंडे को पूरा इसमें ऐड करने के बाद ही हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे, इससे पहले नहीं मिक्स करेंगे। अगर आप लोग पहले से ही इसको मिक्स करते रहेंगे और अंडे को डालते रहेंगे तो बहुत ही बारीक बारीक से धागे से बन जाते हैं अंडे के, वो अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए अंडे को पकते हुए तकरीबन 30 सेकेंड हो चुके हैं और ये पक चुका है। तो गाइस दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी चिकन सूप का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस मैंने जो है इसमें बॉयल एग भी ऐड कर दिया है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये बगैर अंडे के भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है।
तो गाइस सबसे लास्ट में, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।